दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों, आज का जो प्रॉपर्टी है वो जो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा पैराडाइज ग्रुप का, साई प्लैटिनम का, मैंने 3 BHK का जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया था उसी का आज का जो ब्लॉग में आप देखेंगे 2 BHK सैंपल फ्लैट का वीडियो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है आप 2 BHK सैंपल फ्लैट का वीडियो देखें, उसके बाद फिर शेयर करते हैं उसका क्या कारपेट है, क्या प्राइसिंग है, कब पोजीशन है, सारा कुछ आपको पूरा ब्लॉग देखेगा, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा कि जो मैं ब्लॉग अपलोड करूँ अपने चैनल पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले सैंपल फ्लैट देखें, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए सबसे पहले सैंपल फ्लैट देखें। 2 BHK फ्लैट, कुछ इस तरह का जो है बैल्कनी आपको मिलेगा। विंडो की क्वालिटी आप देख सकते हैं, पूरा साउंड प्रूफ विंडो रहेगा, मतलब क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साई प्लैटिनम प्रोजेक्ट के अंदर भी आपका जो लिविंग एरिया रहेगा वो एज इट इज़ इतना ही बड़ा होगा जैसा आप अभी विंडो में देख पा रहे हैं। ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये एरिया नहीं रहेगा बस, तो बाकी पूरा लिविंग एरिया जो है आपका इतना बड़ा होगा। एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ईस्ट वेस्ट फेसिंग फ्लैट होगा। अब चलते हैं किचन की तरफ, कुछ इतना बड़ा आपका किचन होगा फ्लैट के अंदर। फ्लैट में आपको ये सारी चीज़ें, चिमनी जो आप देख रहे हैं, टैप वगैरह सब जगह फिटिंग से, प्यूरेट गीजर सारे कुछ लगे होंगे। और जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे विंडो की क्वालिटी सब सेम होगी, टाइल वर्क किचन का सारा कुछ सेम होगा, दोनों साइड प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा किचन मिलेगा आपको फ्लैट में। चलते हैं, ये आपका सामने में जो है यहाँ पे वॉश बेसिन होगा एक, और कॉमन वॉशरूम में जो आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको इतना बड़ा कॉमन वॉशरूम रहेगा, सब जगह फिटिंग्स का बोर्ड, शावर एरिया के बीच में पार्टीशन है, मिरर आपके वॉशरूम में, उधर भी लाइट प्लैटिनम के प्रोजेक्ट में आएगा। तो टैप्स वगैरह देख रहे हैं सारे जैक ऑफ फिटिंग सब ब्रांडेड चीज़ें हैं। ये हो गया वॉशरूम, अब चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। ये है इसका कॉमन बेडरूम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका लिविंग एरिया हो या बेडरूम हो, सिंगल वॉल पे आपका वॉलपेपर आएगा। बेडरूम्स में कुछ इस तरह का जो है आपको सीटिंग बैल्कनी का ऑप्शन रहेगा। विंडो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पूरा साउंड प्रूफ, मतलब क्वालिटी में बिल्डर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि आप डोर की क्वालिटी देख सकते हैं। तो ये रहा कॉमन बेडरूम, अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये रहा आपका मास्टर बेडरूम में अटैच टॉयलेट, पहले आपको मास्टर बेडरूम दिखा दूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके मास्टर बेडरूम में जो रहेगा आपका जो फ्लोर टाइल रहेगा वो वुडन रहेगा। मास्टर बेडरूम में कुछ इस तरह का आपका मास्टर बेडरूम रहेगा, जैसे कि आपने देखा सिंगल वॉल पे वॉलपेपर आ जाएगा मास्टर बेडरूम में भी। विंडो की आप क्वालिटी देख सकते हैं, साउंड प्रूफ विंडो होगा, बैल्कनी आपको सिर्फ जो है लिविंग एरिया में आएगा। ये हो गया इसका मास्टर बेडरूम, एक बार आपको फिर से दिखा दूँ, सिंगल वॉल पे वॉलपेपर रहेगा, वुडन टाइल रहेगा मास्टर बेडरूम में। और यहाँ पे मास्टर टॉयलेट, यहाँ पे एक बड़ा मिरर आ जाएगा, वॉश बेसिन, यहाँ पे कपबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन रहेगा मास्टर टॉयलेट में, यहाँ पे आप शावर के लिए डोर को ओपन करके जा सकते हैं। ये जो पूरा पैनल देख रहे हैं ये आपको मिलेगा मास्टर टॉयलेट में, मतलब क्वालिटी में कुछ भी कंजूसी नहीं कर रहे हैं पैराडाइज को, एक अच्छे क्वालिटी के साथ में आपको ये नया प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है साई प्लैटिनम वो आपको मिलेगा। तो ये हो गया इसका मास्टर टॉयलेट, ये रहा मास्टर बेडरूम, एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, ये रहा कॉमन बेडरूम, ये रहा किचन,
और ये है आपका लिविंग रूम। दोस्तों देख सकते हैं साई प्लैटिनम का एक्चुअल वर्क पोजीशन जो है कहाँ तक हुआ है, पूरा फाउंडेशन का वर्क जो है दोस्तों चालू है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा कॉन्क्रीट किया जा रहा है फाउंडेशन को। दो साइड में आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट हो चुका है, एक बीच का स्पेस है कॉन्क्रीट करना बचा है। उसके बाद जो है इसके पूरा फाउंडेशन का पिलर आना शुरू हो जाएगा, मतलब बिल्डिंग का जो है फाउंडेशन होना शुरू हो जाएगा, स्लैब आना शुरू हो जाएगा। बस ये कंप्लीट होता है बच्चा, तो जैसे कंप्लीट हो जाता है कॉन्क्रीट उसके बाद स्लैब का वर्क जो है काम शुरू हो जाएगा। ये है साई प्लैटिनम का करंट वर्क पोजीशन। ठीक साई वॉल एम्पायर, साई वॉल एम्पायर आप देख सकते हैं मॉल, वहाँ पे मॉल के ठीक बगल में जो है साई प्लैटिनम, वहाँ पे साई वॉल एम्पायर का आप देख रहे हैं एंट्रेंस का काम चल रहा है। यहाँ पे बगल में एंट्रेंस के ठीक बगल में साई प्लैटिनम प्रोजेक्ट फाउंडेशन का काम चल रहा है। ये रहा साई प्लैटिनम फेस वन, ये रहा साई प्लैटिनम प्रोजेक्ट का। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा सैंपल फ्लैट, होपफुली आपको ये फ्लैट जो है सैंपल फ्लैट जो है 2 BHK का पसंद आया होगा। तो आपने के वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया होगा कि पैराडाइज ग्रुप का जो ये न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है साई प्लैटिनम, इसका अभी कितना कंस्ट्रक्शन वर्क फिलहाल हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी जो है फाउंडेशन का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो है उसके से 10-15 दिन में इसका स्लैब वर्क भी जो है, मतलब स्लैब वाइज जो है इसका काम शुरू हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि आपने सैंपल फ्लैट देखा तो इसमें 2 BHK का 700 से लेके 720-730 तक का कारपेट है। तो जैसे कि आपने सैंपल फ्लैट देखा, होपफुली आपको फ्लैट पसंद आया होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है बिल्डर ने कुछ भी कंजूसी नहीं किया है। तो इसका जो दोस्तों प्राइसिंग शुरू होता है 2 BHK का, वो होता है शुरू 1,07,00,000 प्लस टैक्सेस। इसमें अगर आप फ्लोर ऊपर जाते हैं तो आपको थोड़ा फ्लोराइज का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। इसमें दो कारपेट है, एक तो 700 का और दूसरा 750 का कारपेट है। तो जैसे कि आप कारपेट थोड़े बड़े कारपेट में जाते हैं तो आपको प्राइस, बड़ा कारपेट का जो प्राइस है वो तकरीबन 1,11,00,000 प्लस टैक्सेस से शुरू होता है। इसमें आप फ्लोर अगर ऊपर लेते हैं तो थोड़ा सा फ्लोराइज आपको चार्ज होगा। तो ये हो गया दोस्तों इसका कारपेट और प्राइसिंग का डिटेल। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एमिनिटीज़ है ये ऑल एमिनिटीज़ है, मतलब स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, क्लब हाउस, पार्टी हॉल, सारे एमिनिटीज़ रहेंगे। रूफ टॉप एमिनिटीज़ भी है, जैसे कि पार्टी लाउंज हो गया, बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा स्पेस, गार्डन जो है रूफ टॉप एमिनिटीज़ में भी रहेगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है विथ ऑल एमिनिटीज़। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे बड़े वेल नोन डेवलपर का प्रोजेक्ट है पैराडाइज ग्रुप का। इसका जो दोस्तों पोजीशन है वो 2026 दिसंबर में इसका पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन पूरा माईवन से है, तो कंस्ट्रक्शन में भी बिल्डर जो है कुछ कंजूसी नहीं करेगा। जैसे कि आपने सैंपल फ्लैट में देखा कि इसका वॉल हर रूम के सिंगल वॉल पे वॉलपेपर है, वॉशरूम सब में टैप वगैरह आपने देखा, जगवा फिटिंग्स है, मतलब एक अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी का प्रोजेक्ट है ये। तो होपफुली दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसका प्राइसिंग सब डिटेल मैंने आपको बता दिया, कारपेट बता दिया, क्या एमिनिटीज़ है सारे एमिनिटीज़ बता दिए, इसका पोजीशन कब है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका थोड़ा सा लोकेशन का आपको आसपास का बता दूं कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्यों लेना चाहिए, क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। कि आप अगर रहने पर्पज़ ले रहे हैं, 2 से 3 साल बाद आपको पोजीशन चलेगा, तो आप क्यों लेना चाहिए मैं आपको बता दूं। इस प्रॉपर्टी से जो है पैराडाइज मॉल जो है वो इस प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में ही है, मेट्रो स्टेशन 5 मिनट के वॉकिंग पे है, जो न्यू प्रपोज डीमार्ट है वो भी 5 मिनट के वॉकिंग पे ही बनने वाला है, और सेंट्रल पार्क, गोल्फ कोर्स, कॉन टेम्पल मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी में है। जितने भी खारगर में सारे बेस्ट स्कूल्स है, कॉलेज है, सारे 3 से 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च में शुरू होने वाला है, वो भी इस प्रॉपर्टी से मुश्किल से 20 मिनट्स के ड्राइव पे है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों, होपफुली ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपने डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपने मेरा नंबर देखा ही होगा, आप मुझे कांटेक्ट करिए। होपफुली मैं आपको एक अच्छा डील दिला पाऊँ, थोड़ा प्राइस में भी नेगोशिएट करवा सकती हूँ, और एक अच्छा प्रॉपर्टी दोस्तों। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में। आज के लिए बाय।